स्वागत आपका एक बार फिर दिल्ली थिएटर के बेहद ही खास प्रोग्राम सफर में। आपसे एक सवाल ये मेरा कि अभी तक के नाटकों में ऐसा कौन सा नाटक है जो आपने मतलब जिसको रचा है जो आपके दिल के बेहद करीब है या जिससे इमोशनली अटैच है, और एक नाटक ऐसा जिसमें आप मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें और कुछ हो सकता है, और कुछ बदलाव आ सकता है जनता के लिए। मैंने एक नाटक किया था द जस्ट, जो मार्केट में हिंदुस्तान में वो दिल्ली में न्यायप्रिय के नाम से है वो, और हमने द जस्ट ही नाम रखा था उसका। अल्बर कामू का प्ले है वो। ऑल्दो वो मेरे मतलब थिएटर जो एक सफ़र है, जर्नी है, उसका फ्लॉप नाटक है वो, लेकिन दिल से मैंने उसको बनाया था। वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, यू नो, शायद मैं तब डायरेक्शन की कुछ वो एलिमेंट ऐसी चीज़ें थी, यू नो, जिसको छू नहीं पाया और बात बन नहीं पाई। जबकि मेरे लगभग सभी नाटक वेल रिसीव्ड है, मैं इनको हिट है, सुपर हिट है, ये सारे शब्द तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वेल रिसीव्ड है, लोगों ने सराहा, समझा, लोगों को आनंद है। तो एक तो वो ऐसा नाटक है जिसको मैं दोबारा कभी करना चाहूँगा। आपने कहा ना कि बदलाव की बात है, उसमें एक ऐसा मैसेज है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अभी कि कोई किसी को मार देता है, तमाम ऐसे संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो भी एक संगठन है, और उस संगठन में भी कुछ ऐसा मतलब इतिहास में ऐसा कुछ घटता है वहां पे, वहां भी बात मर्डर करने की ही है, किसी एक व्यक्ति को मारने की, लेकिन उस व्यक्ति को मारने के दौरान ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं मानवीय दृष्टिकोण से कि लोगों को लगता है कि यार उस व्यक्ति को अगर हम मारते हैं और ये चीज़ें जो है अगर असर आता है तो नहीं करना चाहिए। यानी इस लेवल पे मारने वाला आदमी सोचता है, इतना इमोशनल, इतना सोचने वाला, इतना विचार करने वाला, इतना समझदार वो मर्डरर था, है ना। तो मैं उस नाटक को फिर से करना चाहूँगा, ये और राइट टाइम है करने का। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपने कहा कि दिल के करीब है, ऑफकोर्स मैं कहूँगा इसमत चुगताई, जो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर हैं, ऑफकोर्स हालांकि फेमिनिस्ट से ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है मुझे वुमनिस्ट, क्योंकि फेमिनिस्ट कहते ही कहीं ऐसा लगता है कि वो अलग हो गई समाज से, दुनिया से, मैं सिर्फ महिलाओं के हक की बात करूँगी, पुरुषों के हक की बात नहीं करूँगी। तमाम हालांकि कहानियां उसकी मैंने ड्रामेटाइज की हैं, लेकिन जो सबसे दिल की करीब वो घरवाली, एक कहानी है उसकी अपनी घरवाली, और इसलिए भी मुझे फक्र होता है या खुशी होती है कि नहीं वो ठीक है, पैरेलली उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। पैरेलली जब मैं इस नाटक को यहां सोच रहा था, यहां ड्रामेटाइज कर रहा था, तो नसीरुद्दीन शाह भी बॉम्बे में बैठ करके वो इस्मत आपा के नाम से मैं कहानी कर रहे थे वो, तो मुझे इस बात खुशी हुई थी कि जो जिस कहानी पर मैं नज़र लगा के बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इतना बड़ा कद्दावर आदमी हिंदुस्तान का, दुनिया का, यू नो, उसी लेवल पे सोच रहा है, तो बड़ी खुशी हुई, राइट, कि यार सोच तो कम से कम मिलती है, यू नो। ऑफकोर्स घरवाली नाटक को कहानी को ड्रामेटाइज करने में, और उसने आप ये कह सकते हो कि एक ट्रैक बना दिया मेरा, जो अगर सफलता सक्सेस का अपना एक दूसरा जो ट्रैक होता है, वो घरवाली नाटक नहीं खोला, और कमाल था वो, धमाल था वो, मतलब अच्छी बात ये है कि वो लाइन लगती थी, मतलब आप मानते कि उस नाटक से आपकी जिंदगी में कहीं नहीं लगा। अरे वो जो हम लेडी लक कहते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम मानते हो। हाँ हाँ, आप लोगों ने पूरा रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। वो घरवाली का जो किरदार है वो कोई नहीं मतलब कर नहीं पा रहा था, जबकि वो हिंदी भाषी नहीं है, वो इसके बावजूद उन्होंने, यू नो, वो उर्दू मिश्रित उसमें है, शब्द हैं, और वो चैलेंज, यू नो, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और घरवाले के इतने शोज हुए, यू नो, इतने शोज हुए घरवाली के कि एक आदमी जो एक बार देखता था वो चार लोगों को और लेके आता था दिखाने के लिए, और मुझे मज़ा तब आता था कि 99 तक मैंने वो किया, 2000 तक बल्कि किया वो प्ले, उस नाटक में उस प्ले में दर्शकों की लाइन लगती थी,
मुझे अच्छा लगता था कि अरे चार लोग खड़े होते हैं बॉक्स ऑफिस की खिड़की पे, लाइन लग के लोग टिकट लेते थे। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको, हाँ जिस चीज़ को सुनने की आपकी बड़ी इच्छा है वो बिल्कुल वही है कि उसमें उसमें घरवाली का जो रोल करती थी पूर्णिमा जो है वो बाद में मेरी घरवाली बन गई। एग्जैक्टली वो अब देखो ड्रामा है ना अपने आप में जिंदगी में, हम कैसे मंच पे तो नहीं वो सारी चीजें हुई, हाँ जिंदगी शायद मैंने कहा ना ड्रामा ही है, ये पूरी कायनात का बिग बैंग होना भी अपने आप में ड्रामा है। और कुछ हो जाता है हम यही बोलते हैं कि बहुत ही नाटकीय तरीके से ये हो गया, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हो गया सब कुछ, ये तो ऊपर से है। अगर आप जैसे बच्चों को बोलता हो कि बायोलॉजी भी ड्रामा है, लोग बोलते कैसे सर, मैंने कहा यार आपके अंदर तमाम इमोशंस चल रहे हैं, तमाम सिक्रेशंस चल रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो ग्लैंड्स हैं अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, कभी जाके देखो क्या क्या ड्रामा चल रहा होता है, कोई कहीं रुक गया है, कोई फंस गया है, अभी कुछ होने वाला है, बम फटेगा वो आप मर जाओगे, यू नो कुछ और चीज़ें होने वाली हैं, ड्रामा है जब सब कुछ चल रहा है आप उसको देखो तो, वो तो ऊपर से देख रहे हैं मन में क्या ड्रामा चल रहा है, इमोशंस भी क्या चल रहे हैं, यू नो बायोलॉजिकल सिक्रेशंस हो रही हैं, तब उनको समझ में आता है कि ड्रामा सिर्फ यू नो, तो आपको उस घरवाली इस घरवाली। तो जैसा कि हम आपके प्लेस के बारे में ही बात कर रहे हैं और आपके प्लेस को लेकर एक धारणा बहुत फेमस है कि जिस दिन आपका प्ले होता है उस दिन बारिश भी होती है, तो इसके पीछे क्या राज है भाई? इंद्रदित्व कृपा है, तो बचपन में हम कुछ होता था जरा सी बारिश आती थी लोग कहते हैं ये तो शुभ संकेत है, है ना, तो ठीक है जो भी धारणा है जो भी वजह है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ें ले लेते हैं कि ये शुभ संकेत है शायद इसीलिए कि ईश्वर वो मतलब तमाम नक्षत्र और वो तमाम दूसरी चीज़ें हाँ ब्लेसिंग्स हैं जिसको लोग मानते हैं नहीं मानते हैं कि भाई अब ईश्वर मैंने इसलिए शब्द जोड़ दिया कि कहीं ना कहीं इंद्र को देवता मानते हैं तो अपने आप में ईश्वर है, अब ठीक है अगर वो शुभ संकेत है आशीर्वाद दे रहा है तो ठीक है, हाँ बल्कि अब तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है तो डर लगता है कि यार बारिश हुई नहीं, मैंने कहा ना 99% तो होती है, बेमौसम की बारिश होती है, यार बारिश नहीं हुई कुछ गड़बड़ है क्या, राइट एक लास्ट सवाल ये आपसे कि हमारे जो यूथ जो जुड़ना चाहता है थिएटर से तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देंगे कि एक क्या क्वालिटी या फिर किस जुनून की जरूरत है थिएटर से जुड़ने की और उसमें बने रहने की? शायद एक एक लाइन में अगर जवाब दूं तो अगर वो थिएटर में आना चाहता है और मेरी बात सुन रहा है तो मैं कहूंगा भाई मेरे जैसा जो है आपको बनना पड़ेगा अगर थिएटर में आप, क्योंकि मैं तमाम वो चीज़ें भी यू नो नाप के आ चुका हूँ, यू नो अगर मैंने थिएटर को एक्सेप्ट किया है तो उसके पीछे लंबी तमाम कहानियाँ हैं, एक तो उसको मैं बनना पड़ेगा, मुझ जैसा एक सोच पैदा करनी पड़ेगी थिएटर के प्रति और बहुत ही इज्जत देना पड़ेगा थिएटर को, बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो तमाम विधाएं हैं दुनिया में, आप इंजीनियर बनते हो लॉयर बनते हो ये बनते हो क्रिकेटर बनते हो, जिस शिद्दत से आप महसूस करते हो उस चीज़ को वो तपिश कि मुझे ये बनना है वो तपिश होनी चाहिए और जुनून का ही सब दूसरा नाम है जो आप बता रही हैं, शायद सबसे बड़ी जो जुनून थिएटर में आने वालों के लिए यही है मैं जो कहूँगा ईमानदारी से कि जब वो थिएटर करें थिएटर में आए तो अगर उनके दिल दिमाग पेट तीनों का मैं नाम लेता हूँ मैं कहीं मीडिया फिल्म टेलीविज़न अगर है वजह थिएटर में जो आने की तो तुरंत छोड़ दें वो, या जितने दिन वो थिएटर करें ईमानदारी से तब तक वो अपने दिल दिमाग पेट में वो मीडिया और वो फिल्म जगत की बातें ना आने दें, हाँ एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा जुनून है, इस बात से कोई बच नहीं पाया है, है ना, गलत नहीं है मैं उन्हें गलत नहीं कहता हूँ, हर आदमी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से आज़ाद है सोचने के लिए करने के लिए, लेकिन चूंकि ये सवाल पैदा होता है चूंकि आप जुनून की बात करते हैं तो एक वक्त में एक ही काम करें ये सबसे बड़ा जुनून है। भाई देखो आप लोग काम तो इतना सराहनीय करते हैं कि अखबारों में जिसे मैं कहता हूं अगले दिन की रद्दी,
इतना जगह नहीं है उनके पास कि वो यू नो कवर करें थिएटर को, तरजीह दें, इम्पोर्टेंस दें। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आज के समय में समय निकाल करके आप लोग ट्रेवल करते हो, वहाँ जाते हो, यू नो, और एक अच्छा मैसेज जो शायद थिएटर वाले या और लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों तक ज़्यादा हमें भी पहुँचा रहे हो, आप खुद पहुँच रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो काम जो हम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप लोग कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हो, टीच कर रहे हो, है ना। लोग इस प्रोग्राम के बहाने कम से कम जान तो सकते हैं कि थिएटर क्या है, तो असली मैसेंजर है ना आप लोग हो थिएटर के। ये इससे बड़ी लाइन क्या हो सकती है, यू आर द मैसेंजर ऑफ 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 थिएटर। हम चाहते हैं कि समय यही समझाए, लेकिन वक्त की बदलती करवटें हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देता। राजेश जी, आपने अपने अनमोल जीवन का बेशकीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, उसके लिए दिल्ली थिएटर परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर एक जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी शेर के साथ आखिर में दलित थिएटर परिवार की तरफ से आपको एक छोटा सा नजराना चाहेंगे। नजर का बहुत बड़ा होता है, छोटा नजर। थैंक यू। हल्का है आपको। थैंक यू, थैंक यू। आपको कुछ खोल सकते हैं क्या? छोटा बड़ा? अरे वाह, ओहो, वेरी गुड। थैंक यू, मेरी तहे दिल से हम भी शुक्रिया करते हैं आपका। Don't forget to subscribe our official YouTube channel and kindly visit our website www.dellytheatre.com. Stay tuned with us on Facebook, Twitter, LinkedIn at Delhi Theatre. For any queries, contact us 9211666780 on WhatsApp, Line, Viber and WeChat. Or you can also download our official Android app from Google Play Store by the name of Delhi Theatre.